जाना। लेकिन माइक्रो टीचिंग क्या है, ये सूक्ष्म शिक्षण क्या है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में बहुत सारे जो सब्जेक्ट थे सबको हमने जाना समझा, और इसी तरीके से आज थर्ड सेमेस्टर में भी जो इसकी स्टार्टिंग है माइक्रो टीचिंग से है, तो इसको भी हम जानेंगे, हम समझेंगे, और इस तरह से समझेंगे कि हम दूसरों को समझा सकें। तो हम इसको शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज पवन मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और आप अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको ये समझ में आया कि नहीं, माइक्रो टीचिंग क्या है, कैसा है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम माइक्रो टीचिंग के बारे में जानेंगे। तो स्टार्टिंग हम एक एग्जांपल से करते हैं कि हमारे यूथ हैं, अलग अलग फील्ड हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई सोल्जर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। तो इस तरह से अगर मान लो कोई सोल्जर बनना चाहता है, सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन होने के बाद उसको डायरेक्ट बॉर्डर पे थोड़ा ना भेज देंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसको जो आर्मी कैंप होते हैं, जैसे दिल्ली कैंट है, इस तरह से आर्मी जो स्कूल होते हैं, तो वहां पे उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो एक इस तरह से आर्टिफिशियल माहौल बना दिया जाता है, बॉर्डर वाला एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया जाता है। तो वहाँ पे कुछ लोगों को दुश्मन बना दिया जाता है और इन लोगों को प्रैक्टिस करवाई जाती है कि किस तरह से उन दुश्मनों का सामना करना है, ठीक है। तो एक तरह इस तरह का आर्टिफिशियल माहौल बना दिया जाता है, और वहां पर इनकी ट्रेनिंग होती है 6 मंथ की, 1 ईयर की, और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है फिर इनको बॉर्डर पे भेजते हैं। तो अब इसी तरीके से अगर हम एजुकेशन की बात करें, तो डायरेक्ट आप सबको स्कूल तो नहीं भेज देंगे, प्रैक्टिस तो करवाएंगे ना। तो अब प्रैक्टिस कहाँ पे होगी, तो सबसे पहली जो प्रैक्टिस होती है इस कॉलेज में होती है, क्योंकि स्कूल का माहौल कैसा है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, किन मेथड्स का यूज करना है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, अपने चैप्टर की स्टार्टिंग कैसे करनी है, क्वेश्चन कैसे पूछना है, एक्सप्लेन कैसे करना है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब डायरेक्ट स्कूल चले जाओगे तो आपको ये चीज सीखने को थोड़ा ना मिलेगी। ये तो ये हो गया कि सीधा ही आर्मी में ज्वाइन करते ही आपको बॉर्डर पे भेज दिया, और वहां पे आपको बिना ट्रेनिंग के अगर आप चले जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसी तरीके से स्कूल में भेजने से पहले जो पहली जो ट्रेनिंग होती है एक कॉलेज के अंदर होती है। तो किस तरह से ट्रेनिंग होती है, इसको माइक्रो इसलिए कहते हैं क्योंकि एक छोटे स्तर पे की जाती है, छोटे लेवल पे की जाती है। स्कूल में जाने से पहले कॉलेज में जो क्लासरूम है उसका माहौल ये किस इस तरह से एनवायरमेंट बना दिया जाता है, स्कूल वाला बना दिया जाता है। सभी बच्चों को, जैसे आप सब मान लो आपके कॉलेज में, किसी कॉलेज में 90 स्टूडेंट होंगे, किसी में 100 होंगे, किसी में 80 होंगे, तो इस तरह से 80, 90, 100 स्टूडेंट है, तो सभी स्टूडेंट को 8, 8, 10, 10 के ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। अब 10, 10 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, अब 10, 10 जैसे इस इमेज में भी देखो, तो अब 10, 10 के ग्रुप में क्या होगा, एक स्टूडेंट है वो टीचर बनेगा और बाकी के 9 स्टूडेंट है वो स्टूडेंट बनेंगे। अब इनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि तुम्हें कैसे चैप्टर को इंट्रोड्यूस करना है, कैसे क्वेश्चन आंसर पूछना है, एक्सप्लेन कैसे करना है, टीचिंग मेथड्स का यूज कैसे करना है। तो एक तरह से एक डेमो टीचिंग है, और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ठीक है। तो एक छोटे लेवल पे कराई जा रही है, कॉलेज की जो क्लासरूम है उसको ही एक स्कूल का जो क्लासरूम जो है उस तरह से माहौल को बनाया जा रहा है ताकि आप कुछ चीजों को सीखो। तो एक छोटे स्तर पे की जा रही है, एक प्रैक्टिस एक डेमो है, तो जो कॉलेज में की जा रही है स्कूल में भेजने से पहले, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, माइक्रो टीचिंग, ठीक है। छोटे स्तर पे की जा रही है ताकि आप सीख सको कैसे क्वेश्चन आंसर पूछना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, इनडिसिप्लिन जो प्रॉब्लम है उसको कैसे ठीक करना है। तो ये सारी चीजें आपको कॉलेज में पहले, स्कूल में भेजने से पहले कॉलेज में ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसलिए हम इसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं। अगर स्कूल को आप मैक्रो मान लो, तो कॉलेज में जो आपको एक डेमो टीचिंग करवाई जा रही है एक आर्टिफिशियल माहौल बनाकर, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसकी थ्योरी पार्ट देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक एमिंग टू प्रिपेयर पीपल टीचर टू द रियल क्लासरूम सेटिंग। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीक है जिसका लक्ष्य विद्यार्थी शिक्षक पीपल टीचर मतलब आप सब को वास्तविक कक्षा की स्थिति के लिए तैयार करना है।
तो इस स्थिति के लिए कैसे तैयार किया जा रहा है, कॉलेज में ही एक डेमो क्लास बनाई जा रही है, आप में से कुछ स्टूडेंट हैं उनको टीचर बनाया जा रहा है, बाकी के स्टूडेंट जो है पीपल टीचर है उनको स्टूडेंट बनाया जा रहा है। तो एक एक करके एक एक स्टूडेंट आएगा, वो आप सबके सामने, चाहे अलग अलग स्किल है, जो भी एक चैप्टर आप डिसाइड करोगे उसकी प्लानिंग करके एक लेसन प्लान बनाओगे, फिर आप बाकी बच्चों के सामने आके क्वेश्चन आंसर पूछोगे, उसमें से आप किस तरह से एक्सप्लेन करना है, किस तरह से क्वेश्चन आंसर पूछने हैं, किस तरह से चैप्टर को इंट्रोड्यूस करना है, किस तरह से होमवर्क देना है, ब्लैक बोर्ड पर कैसे लिखना है, तो इस सारी चीजों की प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है। इसलिए इसको हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। तो माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक, एक टेक्निक है जिसका एम क्या है कि जो रियल क्लासरूम है उसके लिए आपको तैयार करना, और वो आपकी प्रिपरेशन कहाँ हो रही है, कॉलेज में ही हो रही है, एक आर्टिफिशियल माहौल बनाया जा रहा है जैसे रियल क्लासरूम में होता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो डिफाइन एज अ टीचिंग टेक्निक स्पेशली यूज इन टीचर प्री सर्विस एजुकेशन टू ट्रेन दैम सिस्टमेटिकली बाय अलाउविंग दैम टू एक्सपेरिमेंट मेन टीचर बिहेवियर, कि यह एक शिक्षण तकनीक के रूप में भी परिभाषित की जा सकती है, विशेष रूप से शिक्षकों की पूर्व सेवा पूर्व शिक्षा में उन्हें मुख्य शिक्षक व्यवहार का प्रयोग करने की अनुमति देकर उन्हें व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब कैसे, प्री सर्विस एजुकेशन का मतलब है जैसे आप सब जो ट्रेनिंग ले रहे हैं इसको प्री सर्विस कहते हैं, प्री सर्विस मतलब जॉब लगने से पहले की जो ट्रेनिंग है, तो अभी तो आप सब ये ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि आप आगे चलकर आपकी जॉब लगे, तो इसको हम कहते हैं प्री सर्विस। और इन सर्विस भी आप सुनोगे तो इन सर्विस मतलब जो ऑलरेडी टीचर जो पढ़ा रहे हैं जब वो इस तरह की ट्रेनिंग लेते हैं तो उनके लिए होता है इन सर्विस, लेकिन अभी आप जॉब से पहले ये काम कर रहे हो, ये ट्रेनिंग ले रहे हो, तो इसलिए आपका है प्री सर्विस, सर्विस से पहले, ठीक है। तो एक तरह की टेक्निक है जो आप सबको सिखाई जा रही है ताकि आप भी, जैसे एक टीचर का व्यवहार होता है, एक टीचर को क्लास में किस तरह से बिहेव करना चाहिए, ठीक है, तो ये चीजें आपको आ सके, आप इन चीजों को समझ सको कि बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है, जो बच्चे का जो हम कहते हैं ना कि क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है उसको कैसे हमें हैंडल करना है, तो एक टीचर को किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से पढ़ाना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे क्वेश्चन आंसर पूछना है, कैसे बच्चों को मोटिवेट करना है, तो एक टीचर की तरह किस तरह से बिहेव करना चाहिए, वो चीजें आपको माइक्रो टीचिंग में आपको सिखाई जा रही है माइक्रो टीचिंग के थ्रू, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक, अब माइक्रो टीचिंग की जो टेक्निक है इसकी हेल्प से क्या क्या बेनिफिट हो रहा है, पीपल टीचर कैन एक्सपेरिमेंट एंड लर्न ईच ऑफ द टीचिंग स्किल बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड विदाउट एनकाउंटरिंग अ चाओटिक एनवायरमेंट ऑफ द क्राउडेड क्लासेस, ठीक है, कि इस तकनीक की मदद से विद्यार्थी शिक्षक प्रत्येक शिक्षण कौशल को छोटे छोटे भागों में तोड़कर और भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं के अराजक वातावरण का सामना किए बिना प्रयोग कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो जैसे अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे एक क्लास में जब एक, सबसे पहले तो इसमें खासियत है कि इसको छोटे छोटे, इसको माइक्रो इसलिए है क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप में आपको डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। 100 स्टूडेंट है तो सबको 10 ग्रुप बना देंगे, 10 10 का एक एक ग्रुप होगा। अब दूसरी बात क्या है कि अब जब क्लासरूम में एक टीचर पढ़ाता है तो क्वेश्चन आंसर भी बच्चों से पूछता है, चैप्टर को एक्सप्लेन भी करता है, चैप्टर को इंट्रोड्यूस भी करता है, ब्लैक बोर्ड का भी यूज करता है, बच्चों को मोटिवेट भी करता है, तो ये सारी चीजें करते हैं। तो माइक्रो टीचिंग में क्या है कि एक एक चीज को लिया जाता है, सबसे पहले आपको किस तरह से चैप्टर को इंट्रोड्यूस करवाना है वो चीजें सिखाई जाती हैं, तो इसको कहते हैं सेट इंडक्शन, फिर किस तरह से एक्सप्लेन करना है, व्याख्या कैसे करनी है चैप्टर की ये सिखाया जाता है, तो ये दूसरी स्किल हो गई, क्वेश्चन आंसर कैसे पूछना है ये सिखाया जाता है, तीसरी स्किल है, ब्लैक बोर्ड को कैसे यूज करना है, उस पर एंट्रीज कैसे डालनी है ये भी सिखाई जाती है, फोर्थ हो गई बच्चों को मोटिवेट कैसे करना है, एग्जाम्पल्स के थ्रू कैसे समझाना है, तो एक एक स्किल को लेकर इस पर काम किया जाता है और आपको एक एक चीज बताई जाती है। सबसे पहले आपसे किया जाता है कि चलो आप क्वेश्चन आंसर पूछो, किस तरह से क्वेश्चन आंसर पूछने हैं, आप एक्सप्लेन करो, तो इस तरह से एक एक स्किल पर काम किया जाता है। और इसका फायदा क्या होता है कि छोटी छोटी क्लास होती है तो सीखने में आसानी होती है, 10 10 का ग्रुप होता है तो आप उसको आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो नए नए आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, अलग अलग तरीके से आप देखोगे आपके जो जो साथ में जो क्लासमेट हैं सब आते हैं पढ़ाने के लिए, तो सबके अपने अलग अलग तरीके हैं, तो उनसे भी हम सीख सकते हैं।
तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। ये हमें स्कूल में जाने से पहले हमें तैयार करता है कि किस तरह से हमें स्कूल में पढ़ाना है, किस तरह से हमें क्लास को हैंडल करना है। तो ये सारी चीजें माइक्रो टीचिंग सिखाई जाती हैं। पीपल टीचर कैन एक्सपीरियंस रियल टीचिंग एंड टीचिंग रूल्स विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, कि इस पद्धति की सहायता से विद्यार्थी शिक्षक वास्तविक शिक्षण और शिक्षण नियमों का अनुभव कर सकता है। कि जब एक क्लासरूम में बाकी के आपके जो फ्रेंड हैं उनको स्टूडेंट बना दिया जाए, आपको टीचर बना दिया जाए, तो आप उस तरह से जब पढ़ाओगे, आप अपने चैप्टर्स को जब बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस करोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, तो आपको फील आएगा, एक टीचर वाली फीलिंग आएगी। तो इससे क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास आएगा, और आप धीरे धीरे जब आप इस चीज को और अच्छे से करने लगोगे, तो आपका ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास, ये नॉलेज है, यही चीज है, जब आपको स्कूल में भेजा जाएगा तो आप चीजों को बड़े अच्छे से हैंडल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो प्री सर्विस टीचर कैन बेनिफिट टू अ ग्रेट एक्सटेंट फ्रॉम माइक्रो टीचिंग एप्लीकेशन, की सेवा पूर्व शिक्षक सूक्ष्म शिक्षण अनुप्रयोगों से काफी हद तक लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट इस तरह से मिलता है। इट हेल्प्स प्री सर्विस टीचर टू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड टेकिंग डिसीजन, इनेबल डेम टू डेवलप एंड इम्प्रूव देयर टीचिंग स्किल, कि यह पूर्व सेवा शिक्षकों, मतलब आप सब बीएड जो स्टूडेंट हैं, को योजना बनाने और निर्णय लेने के महत्व को देखने में मदद करता है। क्योंकि जब आपको माइक्रो टीचिंग जब सिखाई जा रही है, स्किल सिखाई जा रही है, तो आपको चैप्टर्स जो हैं, आपको उसको प्रिपेयर करने पड़ते हैं, प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, कि क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन पूछना है, चैप्टर को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। तो आपको सबसे पहले क्या सीखते हो, प्लानिंग पार्ट, कि प्लान किस तरह से करना है बनाने से पहले, और उसके बाद क्या है कि जो टीचिंग स्किल है, किस तरह से उसको और इम्प्रूव की जा सकती है, किस तरह से अच्छे क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं, किस तरह से एक्सप्लेन और अच्छे से किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम सीखते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, ये जो माइक्रो टीचिंग है, ठीक है, ये स्टार्ट कब हुई और इसको किसने स्टार्ट किया? हिस्ट्री भी तो हमें पता होनी चाहिए ना, कि माइक्रो टीचिंग आखिर शुरू किसने किया। तो फर्स्ट टाइम इन 1961 फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द माइक्रो टीचिंग सिस्टम स्टार्टेड, कि जो स्टार्ट कब हुआ, 1961 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ, लेकिन इसको माइक्रो टीचिंग के रूप में, इसको जो इंट्रोड्यूस किया, जो डिफाइन किया, वो किसने किया, 1963 में DW Allen एंड रायन, इन दोनों लोगों ने इसको माइक्रो, एज अ माइक्रो टीचिंग इंट्रोड्यूस किया। स्टार्टिंग तो कब हुई, 1961 में हुई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, लेकिन माइक्रो टीचिंग के रूप में इसको जो इंट्रोड्यूस करने का जो श्रेय जाता है, वो किसको जाता है, DW Allen, कब इन्होंने किया, 1963 में। ठीक है, तो आपको इसकी हिस्ट्री पता चल गई कि DW Allen ने स्टार्ट किया। ये आगे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम। और DW Allen ने इसको किस तरह से डिफाइन किया, कि माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल डाउन टीचिंग, क्योंकि क्या एक छोटे स्तर पे की जा रही है, टीचिंग एंड काउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम, कि सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षा प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है, जिसमें थोड़े विद्यार्थी वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है, कि क्लास छोटी हो जाती है। ठीक है, आप टीचर बनते हैं, आप स्टूडेंट बनते हैं, और हर बच्चे को 5 से 10 मिनट का टाइम मिलता है, आपको 5 से 10 मिनट में स्किल, आपको मतलब 5 या 10 मिनट का टाइम है, आप क्वेश्चन आंसर पूछोगे, फिर 5 से 10 मिनट के टाइम में आप क्या करोगे, आप एक्सप्लेन करोगे, आप इंट्रोड्यूस करोगे, आप ब्लैक बोर्ड में एंट्री डालोगे। तो इस तरह से एक एक बच्चे को 5 से 10 मिनट का इसमें टाइम दिया जाता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्केल डाउन टीचिंग, की शिक्षण का एक छोटा रूप है, जहाँ पे आपको ट्रेन किया जा रहा है कि कैसे जाके स्कूल में आपको पढ़ाना है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है माइक्रो टीचिंग के, टू इनेबल टीचर ट्रेनिंग टू लर्न एंड असिमिलेट न्यू टीचिंग स्किल अंडर कंट्रोल कंडीशन। कंट्रोल कंडीशन क्योंकि एक क्लासरूम है, वहां पे टीचर भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाकी जो आपके क्लासमेट हैं वो स्टूडेंट हैं, तो एक इसको हम कहते हैं कंट्रोल कंडीशन है। ठीक है, तो शिक्षक प्रशिक्षुओं को इस योग्य बनाना कि वह नियंत्रित परिस्थितियों में नए शिक्षण कौशल को सीखकर आत्मसात कर सके, नए शिक्षण कौशल कि कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे क्वेश्चन आंसर पूछना है, ब्लैक बोर्ड का कैसे यूज करना है, मोटिवेट कैसे करना है बच्चों को, तो ये नई नई स्किल सीख सके, ताकि इसको स्कूल में जाकर इनका यूज कर सके। टू इनेबल टीचर ट्रेनिंग टू मास्टर अ नंबर ऑफ टीचिंग स्किल, की जो अलग अलग जो टीचिंग स्किल है, इसमें आपको मास्टर बनाना, इसमें आपको दक्ष बनाना, ताकि स्कूल में आप जाओ तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सको, आप बहुत अच्छे से पढ़ा सको।
तो इसलिए आपको पहले ट्रेन किया जाता है कॉलेज में इस तरह का एक आप कह सकते हो कि एनवायरनमेंट क्रिएट करके। टू इनेबल टीचर ट्रेनिंग टू गेन कॉन्फिडेंस इन टीचिंग, कि शिक्षक प्रशिक्षकों को आप में आत्मविश्वास का विकास करना, ताकि क्योंकि एक टीचर में कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप बच्चों को नहीं पढ़ा पाओगे। तो एक कॉन्फिडेंस इस कॉलेज में ही बिल्ड करने की कोशिश की जाती है इन टीचिंग स्किल के थ्रू, ताकि आपको स्किल आए और आपको जितने अच्छे से आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकोगे क्लास में उतना ही आप में आत्मविश्वास ज्यादा है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है माइक्रो टीचिंग के, विशेषताएं। तो माइक्रो टीचिंग इज एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रैक्टिस टीचिंग शेड्यूल, कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रयोग है जो अभ्यास शिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है, टीचर ट्रेनिंग में शामिल किया जा रहा है। और इसको हम एक एक्सपेरिमेंट क्यों कह रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट क्योंकि एक्सपेरिमेंट एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से ही अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, अच्छी चीजें हमें मिलती हैं। तो यही एक्सपेरिमेंट कॉलेज में एक इस तरह का एनवायरमेंट बना के किया जा रहा है, ताकि आप में निखार आ सके, आपकी स्किल बेहतर हो सके, आप एक अच्छे टीचर के जो हम सेम लक्षण कहते हैं आप में विकसित हो सके, आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर पूछ सको, अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, आपकी स्किल जितनी टीचिंग स्किल जितनी अच्छी होगी, ठीक है, उतना ही आप स्कूल में जब जाओगे तो उतना बेहतर तरीके से आप बच्चों को पढ़ाओगे। तो इसलिए माइक्रो टीचिंग को बीएड टीचर ट्रेनिंग में शामिल किया गया है, बीएड में डीएलएड में शामिल किया गया है, ताकि आप स्कूल में जाने से पहले आपको उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे सोल्जर्स को बॉर्डर पे जाने से पहले उनको ट्रेन किया जाता है, वैसे ही आपको स्कूल में जाने से पहले कॉलेज में इस तरह सा क्लासरूम का माहौल बनाया जाता है और आपको ट्रेन किया जाता है। इट इज हाईली इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग डिवाइस, कि यह एक उच्च व्यक्तिगत प्रशिक्षण उपकरण है जिसमें क्लास में जो कॉलेज में ही एक एक बच्चे को चीजें सिखाई जाती हैं, इंडिविजुअल हर बच्चे को अलग अलग स्किल सिखाई जा रही है, तो इसमें इंडिविजुअल लेवल पे काम किया जाता है। इट इज स्केल डाउन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रियल टीचिंग, की वास्तविक शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है। स्कूल में जो जाके जो मतलब स्कूल का माहौल कैसा है, वहाँ पे बच्चों को कैसे हैंडल करना है, तो वहाँ पे जो इस तरह की जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं उन चीजों से, जो प्रॉब्लम्स वहाँ की उन चीजों से कॉलेज में ही इस डेमो टीचिंग में ही वो सारी जो सिचुएशन है बच्चों को बताई जाती है, ताकि बच्चा रियल टीचिंग में जब जाए, जब क्लासरूम में जाए, रियल क्लासरूम चीज पे हैंडल कर सके, तो पहले से ही बच्चा उस चीज के लिए तैयार है। प्रैक्टिस वन स्किल एट अ टाइम, कि एक टाइम में एक ही स्किल की प्रैक्टिस की जाती है। अगर क्वेश्चन आंसर है तो क्वेश्चन आंसर ही की प्रैक्टिस की जाएगी, अगर एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन की ही प्रैक्टिस की जाएगी, ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड की जाएगी। ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इसके बाद अगर हम देखते हैं आगे, तो रिड्यूसिंग द क्लास साइज, क्लास साइज में कितने, एक क्लास में कितने, माइक्रो टीचिंग में जो ग्रुप बनाया जाता है 5 to 10 का ग्रुप होता है, और टाइम जो होता है हर बच्चे को 5 से 10 मिनट का टाइम मिलता है एक एक स्किल के लिए। इमीडिएट फीडबैक हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एंड मोटिवेटिंग लर्निंग। इमीडिएट फीडबैक का मतलब है कि मान लो 5 से 10 मिनट का आपको टाइम मिला, कि आप आपसे कहा गया कि चलो आप 5 मिनट से 10 मिनट का टाइम है, आप कोई टॉपिक ले लो, आप एक टॉपिक ले लो, अगर हिंदी का टॉपिक है तो हिंदी में आप ले लो, व्याकरण ले लो, आप उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है, व्याकरण में आप संज्ञा ले लो, एक्सप्लेन करो। तो जब आप उसकी व्याख्या करोगे तो आपको टीचर हैं वहां पे जो, और बाकी आपके क्लासमेट हैं आपको ऑब्जर्व करेंगे, और आपने जो जो आपकी गलतियां हैं, जो मिस्टेक है, आप 10 मिनट बाद जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सब बताएंगे, फीडबैक देंगे कि देखो आपकी ये गलतियां हैं, आप इस पे काम करो। तो इसमें क्या फायदा हो रहा है, आपको इमिडिएट फीडबैक मिल रहा है, ताकि आप अपने को और ज्यादा इम्प्रूव कर सको, और इम्प्रूव करने के बाद अपनी स्किल को और अच्छा कर सको। इट एडवोकेट्स द चॉइस एंड प्रैक्टिस ऑफ वन स्किल एट अ टाइम, जिसे हमने बात की। इसमें क्या है, एक टाइम में एक ही स्किल पर अभ्यास किया जाता है, और टोटल आप देखोगे 5, 6 या 7 स्किल जो होंगी आपके कॉलेज में आपको बताई जाएंगी, तो एक एक टाइम में एक एक स्किल आपको सिखाई जाएगी। तो ये हफ्ते भर या 10 दिन, 7 दिन या 10 दिन का ये चलता है, हर दिन आपको एक नई स्किल सिखाई जाती है। अब माइक्रो टीचिंग का साइकिल क्या है, तो देखो साइकिल में क्या है कि अगर हम इसके चक्र की बात करें, तो सबसे पहले क्या होता है कि प्लानिंग, कि मान लो आपको दिया गया कि आपको कोई एक चैप्टर है आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब जैसे एसएसटी में है, तो एसएसटी में जो है जो अशोक का टाइम है, ठीक है, या मुगल एम्पायर है, तो उसको एक्सप्लेन करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे,
कि किस तरह से एक्सप्लेन करें, क्या क्या एक्सप्लेन करें, कितना पार्ट में। सबसे पहले प्लानिंग होगा, फिर हम क्लास में आके बच्चों के सामने उसको टीच करेंगे, और फिर हमारी टीचिंग के बाद जो हमारे जो क्लासमेट हैं, जो स्टूडेंट और टीचर हैं, वो हमें फीडबैक देंगे। फीडबैक देने के बाद अगर मान लो कुछ कमी रह जाती है तो फिर से हम क्या करेंगे, रीप्लान करेंगे, फिर रीटीच करेंगे, फिर हमें फीडबैक मिलेगा। तो इस तरह से माइक्रो टीचिंग का एक प्रोसेस जो है, ये साइकिल है, चलता है, जहाँ पे पहले योजना आती है, फिर शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि फीडबैक, फिर रीप्लान, फिर पुनः योजना, फिर पुनः टीचिंग, और फिर से पुनः प्रतिपुष्टि। तो प्लानिंग पहले करेंगे, फिर आप टीचिंग करेंगे, फिर आपको फीडबैक मिलेगा। अगर फिर से कहीं कमी रह जाती है तो फिर से रीप्लानिंग, रीटीच एंड रीफीडबैक। अब टीचिंग स्किल कौन कौन से हैं, जैसे मैंने आपसे बोला वैसे स्किल तो काफी सारे हैं, 10 से ज्यादा स्किल्स होती हैं, लेकिन जो सिखाई जाती हैं कॉलेजेस में टोटल 6 या 7 स्किल्स सिखाई जाती हैं। तो प्रस्तावना, स्किल ऑफ सेट इंडक्शन, कि किस तरह से एक चैप्टर को स्टार्ट करना है। अगर मान लो मैं अगर आपको कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं अगर स्टार्ट कर रहा हूँ मुगल एम्पायर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुगल एम्पायर तो मैं डायरेक्ट जाके स्टार्टिंग का भी तरीका होता है कि आप कैसे एग्जाम्पल के थ्रू तैयार करेंगे, या आप कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे मुगल एम्पायर से रिलेटेड जो बच्चों को पहले से पता हो, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो सके उस सब चैप्टर में। जैसे मैं मुगल एम्पायर में डायरेक्ट नहीं बोलना कि कैसे, मैं पूछूंगा कि अच्छा बताओ ताजमहल किसने देखा है, कैसा ताजमहल है, किसने बनवाया है, और अच्छा जो ये बनवाया है ये किस टाइम यहाँ पे शासक रहा होगा, कब शासन किया होगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम इस तरह से हम क्या है कि पहले वो क्वेश्चन पूछेंगे जो बच्चों को आते हैं, और मतलब इससे रिलेटेड जो चीजें, कि हम इससे क्या होगा कि चैप्टर में बच्चों को एक इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। तो बच्चे पहले होगा कि इस तरह से हम कैसे स्टार्ट करते हैं, किसी चैप्टर को कैसे स्टार्ट करना है, ये चीज हम स्किल ऑफ सेट इंडक्शन में सीखते हैं। फिर आता है क्वेश्चन आंसर स्किल, आती है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर में क्या आता है कि हम इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं, किस तरह से हमें क्वेश्चंस पूछने हैं बच्चों से, तो हम ये चीजें सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछने हैं, और किस तरह से एक क्वेश्चन के बाद हमें दूसरा क्वेश्चन पूछना है, तो ये चीज हम क्वेश्चन आंसर में सीखते हैं। स्किल ऑफ क्वेश्चन आंसर, ये प्रश्न कौशल होगा, ये खोजपूर्ण इसमें से आप हटा देना, ये सिर्फ स्किल ऑफ क्वेश्चन आंसर। व्याख्या कौशल, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, कि किस तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कोई भी चैप्टर है, कोई भी कंसेप्ट है, किस तरह से एक्सप्लेन करना है। मुगल एम्पायर है तो आप उसको किस तरह से एक्सप्लेन करोगे, संज्ञा है तो किस तरह से उसकी व्याख्या करोगे, तो इसमें बच्चों को एक्सप्लेन करना सिखाया जाता है। श्यामपट्ट की ब्लैक बोर्ड को कैसे यूज करना है, किस तरह से ब्लैक बोर्ड में एंट्रीज करनी है, डालनी है, तो क्योंकि एक ब्लैक बोर्ड जैसे एक सोल्जर्स के लिए उसका जो गन होती है, बंदूक होती है, इस तरह से टीचर का जो अपना जो उसका जो आप औजार कह सकते हो कि ब्लैक बोर्ड जो होता है उसका वेपन होता है, जिसके माध्यम से जिसका यूज करके वो बच्चों को पढ़ाता है। तो ब्लैक बोर्ड को किस तरह से यूज करना है। स्किल ऑफ सीमलेस वेरिएशन, ठीक है, तो इसमें आपको सिखाया जाएगा क्योंकि जब हम क्लासरूम में जब पढ़ाते हैं तो हमें एक जगह खड़ा नहीं रहना, हमें अपने हाथ पैर हिलाते रहना है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन है, हमें बिल्कुल एक स्टैचू की तरह नहीं होना, हमें क्लास में मूवमेंट करनी है, बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछना है, खुद भी एक्टिव रहना है, बच्चों को भी एक्टिव करना है। तो ये चीजें हम स्टिमुलस वेरिएशन में सीखते हैं। वॉइस में हमारे मॉड्यूलेशन होना चाहिए, अप डाउन होना चाहिए, तो इस तरह से हम सीखते हैं हमारे जो फिजिकल जो बॉडी लैंग्वेज है किस तरह से होनी चाहिए, ये चीज हम इसमें सीखते हैं। और स्किल ऑफ रीइन्फोर्समेंट, की बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है, बच्चों को हमें डिमोटिवेट नहीं, उनको रिफोर्स करना है कि जब हम बच्चों से क्वेश्चन पूछें क्लास में, बच्चों को ना आए तो हमें उनको डांटना नहीं बल्कि उनको और रिफोर्स करना है, ठीक है, कि बच्चा उसको आंसर दे। अगर मान लो बच्चे को ये नहीं पता कि मुगल एम्पायर के बारे में नहीं पता, ठीक है, आप तो कोई बात नहीं, एक को नहीं पता तो आप उससे कहो कि ठीक है मैं आपको आंसर में बताती हूँ कि जो मुगल एम्पायर है इसकी स्टार्टिंग ऐसे हुई है, अब मैं आपको बताऊंगी, आप ध्यान से सुनना, फिर आप उसको बताओ। तो इस तरह से बच्ची बच्चा चाहे सही आंसर दे चाहे गलत दे, आपको बच्चे को डांटना नहीं है, उसको धमकाना नहीं है, आपको उसको मोटिवेट करना है, उसको रीइन्फोर्स करना है। देखो मोटिवेशन स्टार्टिंग में दी जाती है, काम शुरू होने से पहले, और रीइन्फोर्समेंट जब काम बच्चा कर रहा होता है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो बच्चा आंसर दे रहा है, गलत भी दे रहा है तो कोई बात नहीं, आप अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछो, तो रीइन्फोर्समेंट बीच बीच में दी जा रही है ताकि बच्चे का हौसला बढ़े। और ठीक है, तो कैसे बच्चे का हौसला बढ़ाना है, उनका पुनर्बलन बढ़ाना है, तो ये चीजें हमें रिइंफोर्समेंट में सीखने को मिलता है, ठीक है।
तो आपको ये माइक्रो टीचिंग स्किल आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्या है और किस तरह से अब आपकी जो माइक्रो टीचिंग स्टार्ट होने वाली है आपको क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई और अगर आपको सच में आ गई तो आप कमेंट करके जरूर बताना ताकि मुझे भी पता चले कि आपको आई कि नहीं आई। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।